तो भाई अब हम डील कर रहे हैं किससे, बंडल्ड गुड्स। हमारा टॉपिक क्या शुरू हो रहा है, टॉपिक शुरू हो रहा है बंडल्ड गुड्स। व्हाट डू मीन बाय बंडल्ड गुड्स? नेक्स्ट टॉपिक जो हमें शुरू करना है वो शुरू करना है बंडल्ड गुड्स। यस, भाई समझो जरा क्या होता है बंडल्ड गुड्स। व्हाट डू मीन बाय बंडल्ड गुड्स? बंडल्ड गुड्स का मतलब, बंडल्ड गुड्स का मतलब जहां पर गुड्स अकेले नहीं बंडल में दिए जा रहे हैं, जहां पर बहुत सारे गुड्स भाई बंडल में दिए जा रहे हैं उन्हें बोला जाता है बंडल्ड गुड्स। जहां पर गुड एक नहीं है, गुड्स बहुत सारे हैं। आपको देता हूं क्लियर सा एग्जांपल जो हमारे घर घर में होता है। दिवाली पे भाई इस तरह के हैम्पर्स हमको मिलते हैं, जब दिवाली का सीजन आता है तो इस तरह के हैम्पर्स हमको मिलते हैं, ठीक है। बंडल मीन्स, बंडल मीन्स बहुत सारे गुड्स को इकट्ठा क्लब किया हुआ है। अगर आप ये हैम्पर देखो, जरा इस हैम्पर को गौर से देखो, इस हैम्पर को देखो भाई, ये एक हैम्पर है जहाँ क्या क्या चीज़ है। एक भाई ये पीछे चॉकलेट का पैकेट रखा हुआ है, एक स्नीकर्स चॉकलेट अलग से रखी हुई है, एक ये ओरियो का बिस्किट है, ओरियो बिस्किट, एक है प्रिंगल्स के चिप्स, प्रिंगल्स के चिप्स आते हैं जो ऐसे गोल मेटल के डिब्बे में आते हैं, एक है भाई फरेरो रोशर चॉकलेट, और है भाई ये खट्टा मीठा नमकीन हल्दीराम्स का। इस तरह के गिफ्ट पैक्स हमें दिवाली पे बहुत ज़्यादा देखने को, और दिवाली ही क्यों, आप किसी भी ओकेजन पे कभी भी हल्दीराम के किसी भी स्टोर पे जाओ, इस तरह के असॉर्टेड गिफ्ट पैक आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। और हल्दीराम्स ही क्यों, अरे भाई आप किसी भी शॉप पे चले जाओ, किसी भी शॉप पे, तो आपको ये असॉर्टेड पैकेट्स बड़े ईजीली मिल जाएंगे। असॉर्टेड का क्या मतलब होता है? असॉर्टेड होता है जहाँ पर कुछ कुछ चीज़ों का ग्रुप बनाया गया होता है, कुछ कुछ चीज़ों का कॉम्बो बनाया गया होता है, बंडल बनाया होता है, उसे बोलते हैं असॉर्टेड। अब सबसे ज़्यादा प्रेवलेंस असॉर्टेड गुड्स का कहाँ पर होता है? अरे भाई सबसे ज़्यादा प्रेवलेंस होता है असॉर्टेड गुड्स का वैलेंटाइंस वीक में। हाँ हाँ, वैलेंटाइंस वीक में तरह तरह की चीज़ों को मिलाया जाता है बास्केट में और वो मार्केट में बेचा जाता है। तो उसमें चॉकलेट होता है, उसमें रोजेज होते हैं, फ्रेश रोजेज, है ना, उसमें क्या होता है, टेडी बियर होता है, छोटा सा टेडी बियर होता है उसमें, फ्रेंडशिप बैंड होता है, फ्रेंडशिप बैंड जो बांधते हैं ना वो होता है उसमें, फिर डिपेंडिंग अपॉन बजट ऑफ द पैकेट कुछ गिफ्ट भी हो सकता है, हो सकता है एक डायमंड की रिंग हो या एक नकली रिंग हो सकता है एक ब्रेसलेट हो या फिर नेकलेस हो जहाँ पर दिल ऐसे आधा बना हो, जैसे ये होता है ना, ये ऐसे है ऐसे और ऐसे ये आधा बीच में से है, तो दो ब्रेसलेट होंगे, दो नेकलेस होंगे भाई, दो वो होंगे, एक में ये वाला होगा जहाँ पर लड़के का नाम लिखा होगा, एक में लिखा होगा लड़की का नाम, ये ऐसे आधे आधे स्प्लिट हो जाएंगे और ये लड़का लड़की पहन सकते हैं। तरह तरह के ड्रामे होते हैं, तरह तरह के ड्रामे मार्केट में अवेलेबल हैं आपका पैसा लूटने खसोटने के लिए। एक एक लुटेरे मार्केट में बैठे हैं, वो बस आपको बरगलाएंगे, आपको भाई बहलाएंगे, फुसलाएंगे, इमोशंस में कैरी अवे करेंगे, आपका पैसा लूटेंगे, बतेरे टेक्निक है। लेकिन हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं भाई ये असॉर्टमेंट हो गया। अब असॉर्टमेंट कई सारी चीज़ों का मिक्सचर है, अब अगर ये कई सारी चीज़ों का मिक्सचर है तो हमारे लिए जीएसटी में है दिक्कत। क्यों है दिक्कत? हमारे लिए जीएसटी में दिक्कत ये है कि इस पूरे के पूरे का एक प्राइस चार्ज होता है। जैसे इसका प्राइस चार्ज है भाई 1400 रुपये। कितने का है ये वाला बॉक्स? जितने का भी है भाई मुझे नहीं पता कितने का है, लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये कितने का है, ये है 1400 रुपये, 1400 रुपीज़ भाई का ये बॉक्स है, ठीक है। हाँ मुझे पता था इस बात पे तो चर्चाएं शुरू होंगी, टेक्निकल बात पे तो चर्चा शुरू होती नहीं है कभी। जनाब तो एकदम एक्साइट हो गई, अभी आने वाला है 14th February।
अनुराज कहता है इसीलिए तो मैं सिंगल हूं सर, मैं ये खर्चे नहीं करता। लमसम कंसिडरेशन है इसका, बिल्कुल। अच्छा मुझे सब, अरे तुम, मुझे तो सब मालूम होगा ही। मैंने इतने सालों से, पिछले 12 सालों से मैंने इतने बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स का ऑडिट किया है, इतने बड़ी बड़ी कंपनीज का ऑडिट किया है, यहाँ तक कि मैंने आर्चीज गैलरी का ऑडिट किया, तो ऑब्वियसली मुझे ये बातें तो पता होंगी होंगी। नालायक, 500 के गिफ्ट में 20 वाली चॉकलेट आती है, साक्षी कह रही है 500 गिफ्ट में 20। चलो भाई बकवास बातें बंद, काम की बात शुरू कर लेते हैं, ठीक है? नहीं तो तुम्हारी कॉन्वर्जेशन चलती रहेगी। ओके, मेरा मुद्दा क्या है, मेरे को प्रॉब्लम क्या है? मेरे को प्रॉब्लम यह है कि जब भी कोई सप्लायर रेसिपिएंट को इस तरह से एक बंडल में कोई भी माल बेचता है, कंबाइन करके कोई भी चीज़ बेचता है, तो उस चीज़ में ऐसा हो सकता है कि सब चीज़ों पे जो जीएसटी रेट लगे वो हो डिफरेंट डिफरेंट। चॉकलेट का जीएसटी रेट अलग, बिस्किट का जीएसटी रेट अलग, चिप्स का जीएसटी रेट अलग, वो जो आपने नेकलेस है उसका जीएसटी रेट अलग, ब्रेसलेट का जीएसटी रेट अलग। अगर उसमें मान लो कोई हैंकरचीफ रखा हुआ है, टेडी बियर रखा हुआ है, छोटा छोटा सा टेडी बियर, उसका रेट अलग। सब चीज़ों का जो जीएसटी रेट है वो अलग 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 रेट निकल के आता है। अब अगर सारे के सारे प्रोडक्ट्स का रेट है अलग अलग जीएसटी का, तो अब मैं इस 1400 रुपये में जो मेरा वैल्यू ऑफ सर्विस है, मैं इस 1400 रुपये में क्या रेट लगाऊं? मेरे लिए यह है बहुत बड़ी दिक्कत। क्या रेट लगाऊं मैं इस 1400 रुपये का, क्या रेट होना चाहिए इस 1400 रुपये का, यह है मेरे लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत, यह है मेरे लिए एक बहुत बड़ी तकलीफ, मेरे लिए है प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम का नाम है बंडल्ड सप्लाई। इस प्रॉब्लम का क्या नाम है? इस प्रॉब्लम का नाम है बंडल्ड सप्लाई। जब भी टू और मोर टैक्सेबल सप्लाईज आर क्लब्ड टुगेदर एंड आर सोल्ड एज अ बंडल और सोल्ड एज अ ग्रुप और सोल्ड एज अ पैकेट, देन दैट सप्लाई इज नोन एज बंडल्ड सप्लाई। अब उस बंडल्ड सप्लाई का होगा क्या, करना क्या है जीएसटी में, यह है बहुत बड़ी दिक्कत। भाई कई बार तो ऐसा भी होता है, सुनो जरा, मुझे वैलेंटाइंस पे एक गिफ्ट पैक खरीदना है, ठीक है? वो जो गिफ्ट पैक है उसकी कीमत है 1400 रुपये, ठीक है? अब उसके अंदर क्या है, फ्रेश फ्लावर्स हैं, रोजेज हैं, लिली है, जैस्मिन है, और भी फैंसी तरह तरह के भाई उसके अंदर फ्लावर्स हैं, तो इसमें बुके है, एक चॉकलेट का डिब्बा है, ठीक है, और एक टेडी बियर है, क्यूट सा टेडी बियर है, और क्या है, एक भाई ब्रेसलेट है, ठीक है, और प्रॉब्ली यू नो एंकलेट है, एक एंकलेट है, पैर में पहनते हैं एंकलेट, वो है, ठीक है। ये एक बंडल बन गया 1400 रुपये का, सपोज उसका प्राइस है, वैसे उतना सस्ता तो नहीं होगा, वो कम से कम होगा 4400 रुपये का, 4400 का। मैंने शॉपकीपर से बोला, सुनो शॉपकीपर, तुम ना इन गुड्स के अलावा उसकी डिलीवरी भी कर दो जो मेरी फ्रेंड है उसके घर पे। शॉपकीपर ने कहा हाँ सर, एड्रेस बताइए। मैंने शॉपकीपर को एड्रेस बता दिया, भाई ये है एड्रेस, आप ना डिलीवर भी कर दो ये वाला पैकेट वहाँ पर। तो अगर डिलीवर भी कर दिया ये वाला पैकेट, तो शॉपकीपर ने बोला सर इस चीज़ के 600 रुपये फालतू लगेंगे। मैंने कहा चल ठीक है, तू 600 रुपये भी ले ले। तो टोटल वैल्यू कितनी हुई? टोटल वैल्यू हुई 5000 रुपये। अगर टोटल वैल्यू हुई 5000 रुपये, अब इसमें एक और परेशानी, एक और परेशानी क्या सर, गुड्स के साथ साथ सर्विसेज भी आ गई, गुड्स के साथ साथ सर्विसेज भी आ गई। अगर गुड्स के साथ साथ सर्विसेज भी आ गई, मैं हूं प्रॉब्लम में, मैं हूं परेशानी में। क्यों? पहले तो गुड्स ही सारे अलग 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 जीएसटी रेट के साथ थे, अब सर्विस भी आ गई, उसका जीएसटी रेट अलग। अरे भाई इतना दूर क्यों जाएं? मैं जो तुम्हें ये लेक्चर्स प्रोवाइड करा रहा हूं ऑनलाइन, जो मैं तुम्हें ये लेक्चर्स प्रोवाइड करा रहा हूं, ये जो लेक्चर्स हैं, ये क्या है? बंडल्ड सर्विस है, बंडल्ड सर्विस। सर कैसे? ऐसे कि अब जब मैं लेक्चर्स प्रोवाइड करा रहा हूं, तो यहां मैं तुम्हें सिर्फ एक चीज नहीं दे रहा, यहां मैं तुम्हें कपल ऑफ चीजें दे रहा हूं। वो क्या? नंबर वन, वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्डिंग दे रहा हूं अपनी। नंबर टू, बुक्स दे रहा हूं, जो हार्ड कॉपी प्रिंट करा के बुक्स तुमको देता हूं। नंबर थ्री, सपोज मैं बैग्स दे रहा हूं, स्टेशनरी का सामान दे रहा हूं, पेन रबर शॉर्पनर इरेजर पेंसिल, ये सब चीजें दे रहा हूं, मैं एक बंडल बना के दे रहा हूं। अब देखो ये मत कहना सर हमें तो बैग मिला नहीं, हमें तो पेंसिल मिली नहीं, हमें तो ये मिला नहीं, हम नहीं 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 ऐसा कुछ मैं दे नहीं रहा, ठीक है? ऐसा मत करो सर मुझे तो मिला नहीं, ऐसा कुछ मैं दे नहीं रहा, मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है? एग्जांपल ले रहा हूं। अब दिक्कत ये है कि सर हम ये जो
आपने पैकेट बना के एक चीज़ बेची और हमसे कुछ फिक्स चार्ज किया, सपोज मैंने आपसे 8,000 रुपीज़ चार्ज किया, सर अब इस 8,000 का बाइफिकेशन तो है नहीं, कितना ये कितना ये कितना ये कितना ये, बाइफिकेशन तो है नहीं सर, इस पे जीएसटी कैसे लगेगा, इस पे जीएसटी लगाने का तरीका क्या है? क्योंकि देखो यहां पर तो फिर भी सबका एमआरपी मुझे पता है, यहां पर तो फिर भी एक बार को तुम ये कह सकते हो सर सबका एमआरपी आपको पता तो है, अलग अलग सब पे अलग अलग जीएसटी लगा दो, एक बार को तुम ये मुझे कह सकते हो, यहां तो आइडेंटिफाइबल है। लेकिन जो अभी भी मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दिया, फ्लावर्स, चॉकलेट, टेडी बियर, एंकलेट, ये कस्टमाइज्ड पैकेज बनाया गया मेरे लिए एक्सक्लूसिवली, इसके अंदर तो भाई फिक्स प्राइस है नहीं किसी, उनका कोई एमआरपी नहीं है, कुछ नहीं है, ये तो एक बंडल बना के बेचा जा रहा है। तो अब दिक्कत ये आएगी कि भाई हम कैसे जीएसटी अप्लाई करेंगे इन वाले गुड्स पे, जिन गुड्स का नाम है बंडल्ड गुड्स। इन गुड्स का क्या नाम है भाई? इन गुड्स का नाम है बंडल्ड गुड्स, दीज गुड्स आर नोन एज बंडल्ड गुड्स। ठीक है सर, बात कुछ कुछ समझ में आई, कुछ कुछ समझ में आई कि ये जो गुड्स हैं इनको कहा जाता है बंडल्ड गुड्स, जैसे कि ये बास्केट है, बास्केट देखो सब चीज़ों का बंच है, इसमें तो कोल्ड ड्रिंक भी है, इसमें तो पीने का कुछ कोकोनट वाटर भी है, डार्क फैंटेसी चॉकलेट है, कुकी हेवन है, सोन केक, सोन पापड़ी भी है, मिठाई भी है, रसगुल्ला भी है, नमकीन भी है, सारी चीज़ों का मिक्सचर है। मैं फंस गया बहुत बड़ी प्रॉब्लम में, क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं कैसे इसको भाई कंबाइन करूंगा, जीएसटी कैसे लगाऊं, मुझे तो ये जानना है जीएसटी कैसे लगाऊं, बहुत बड़ी है दिक्कत। ठीक है, तो अब बंडल्ड गुड्स जो होते हैं वो दो टाइप्स के बंडल्ड गुड्स होते हैं, एक को कहते हैं कॉम्पोजिट गुड्स, एक को कहते हैं मिक्स्ड गुड्स, एक को तो कहते हैं कॉम्पोजिट सप्लाई, दूसरे को कहते हैं मिक्स्ड सप्लाई। अच्छा, एक बात तो आप समझ गए होंगे, व्हाट डू यू मीन बाय बंडल्ड सप्लाई, मीनिंग ऑफ बंडल्ड सप्लाई इज वेयर डिफरेंट गुड्स और डिफरेंट सर्विसेज और डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड टुगेदर। दोबारा सुनो, वेयर टू और मोर गुड्स और टू और मोर सर्विसेज और टू और मोर गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड टुगेदर आर नोन एज बंडल्ड सप्लाई। इसके दो टाइप्स, कॉम्पोजिट सप्लाई और मिक्स्ड सप्लाई। हम क्या पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे हैं सेक्शन 8, हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 8। ठीक है सर, तो भाई आओ जरा पढ़ते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय इनका ट्रीटमेंट क्या होगा, कॉम्पोजिट और मिक्स सप्लाई का टैक्सेशन क्या होगा। अच्छा, डेफिनेशन तो सेक्शन 7 में है, टैक्सेबिलिटी सेक्शन 8। ठीक है, दिस इज परफेक्ट, सेक्शन 7(1). ठीक है, आओ देखते हैं क्या कहता है। कहता है क्लासिफिकेशन ऑफ एनी सप्लाई वेदर एज अ गुड और सर्विस, द कैटेगरी ऑफ गुड एंड सर्विस इज एसेंशियल टू डिटरमाइन द एप्लीकेबल रेट ऑफ जीएसटी। तो हमारा जो सेक्शन है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है हमें क्लासिफाई करनी है कोई भी सप्लाई, हमें किसी भी सप्लाई को क्लासिफाई करना है कि ये गुड्स हैं या सर्विसेज हैं, और किस कैटेगरी की गुड्स या सर्विसेज हैं हमें ये चीज़ क्लासिफाई करनी है। तो क्लासिफिकेशन इज वेरी वेरी एसेंशियल, एसेंशियल है। क्यों एसेंशियल है? क्योंकि आपको डिटरमाइन करना पड़ता है जीएसटी का रेट क्या लगेगा इस वाले सप्लाई पे। हाउएवर सम सप्लाईज आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ, अब कुछ सप्लाईज में क्या दिक्कत होती है जहां पर हम भाई जीएसटी का रेट नहीं अप्लाई कर पाते, उसमें क्या दिक्कत होती है? दिक्कत ये है, सम सप्लाईज आर कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स और कॉम्बिनेशन ऑफ सर्विसेज और कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोथ। कुछ सप्लाईज ऐसी होती हैं जो या तो कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स होती हैं या कॉम्बिनेशन ऑफ सप्लाई होती हैं या कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सप्लाई बोथ होती हैं, मतलब वो बंडल्ड भाई सप्लाईज होती हैं। ईच इंडिविजुअल कॉम्पोनेंट इज अ गिवन मिक्सचर ऑफ सप्लाई मे अट्रैक्ट डिफरेंट रेट ऑफ टैक्स। तो हर एक इंडिविजुअल कॉम्पोनेंट जो इस वाले सप्लाई में है वो डिफरेंट रेट ऑफ टैक्स से टैक्स होता है। इट इज फॉर दिस रीजन दैट जीएसटी लॉ आइडेंटिफाइज कॉम्पोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई एंड प्रोवाइड सर्टनिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स ट्रीटमेंट अंडर जीएसटी फॉर सच सप्लाईज। तो हमें सर्टेनिटी चाहिए भाई, सर्टेनिटी। सर्टेनिटी क्यों चाहिए? सर्टेनिटी इसलिए चाहिए कि हम कैसे टैक्स करेंगे इनको। अगर हमें ये नहीं पता लगेगा ये गुड्स हैं या सप्लाई हैं तो हम कैसे टैक्स करेंगे, अगर ये नहीं पता लगेगा कि इस पे कौन सा रेट लगा हुआ है तो हम कैसे भाई टैक्स करेंगे। तो इस सर्टेनिटी के लिए ये वाला सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है सर, बात समझ में आई। लालू की दुकान के सामने वाली पतली सी गली में रहती है फूफा जी, बहुत ही वाहियात कमेंट था ये। ठीक है, नालायक।
वैलेंटाइन से हट के कोई और एग्जांपल भी ले लो। फूफा जी कह रहे हैं, ओ सो सॉरी फूफा जी, अब आप तो, आपने तो इतने सालों से वैलेंटाइन मनाया ही नहीं है ना, आपकी तो कोई वैलेंटाइन होती ही नहीं, तो आई एम वेरी सॉरी फूफा जी। चलो कोई बात नहीं फूफा जी, अब मैं वैलेंटाइंस का एग्जांपल नहीं लूँगा, ठीक है, मैं रिलेशनशिप का भी एग्जांपल नहीं लूँगा। फूफा जी तो सिंगल है ना, और कई सालों से सिंगल हैं बेचारे, वैलेंटाइंस पे खुद ही अपने आप को चॉकलेट दे देते हैं, टेडी बियर ले आते हैं, अपने आप को दे देते हैं, टेडी बियर को हक करके सो जाते हैं बेचारे फूफा जी। चलो ठीक है, अब पॉइंट टेकन, ठीक है, अब वैलेंटाइंस का बेचारे फूफा जी के रिस्पेक्ट में हम अब नहीं करेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो भाई सही हो गया, दो टाइप्स का बंडल सप्लाई, दो टाइप्स का बंडल सप्लाई, दो टाइप्स का बंडल सप्लाई। सर दोनों में फर्क क्या है? अब आओ समझते हैं दोनों में फर्क क्या है। तो सबसे पहले जैसे ही आपको बंडल्ड सप्लाई दिखे, जैसे ही आपको बंडल्ड सप्लाई दिखे, आपको आइडेंटिफाई करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो कॉम्पोजिट है या मिक्स्ड है, और अकॉर्डिंगली आपका टैक्सेशन डिटरमाइन होगा जीएसटी के अंडर। वो कॉम्पोजिट है या मिक्स्ड है आपको आइडेंटिफाई करना है, जैसे आपको बंडल्ड सप्लाई दिखेगा आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो कॉम्पोजिट है या मिक्स्ड है, और जैसे आप वो आइडेंटिफाई कर लोगे वैसे ही आपको जीएसटी के अंडर क्या ट्रीटमेंट होगा भाई बंडल सप्लाई का, वो मैं बता दूंगा। सर ये क्या होता है? कॉम्पोजिट सप्लाई क्या होता है? मिक्स्ड सप्लाई क्या मतलब है? इन दोनों का क्या मतलब है? कॉम्पोजिट सप्लाई क्या मतलब है? मिक्स्ड सप्लाई, ठीक है, ठीक है सर। आओ सबसे पहले इन दोनों में डिफरेंस जानते हैं, क्योंकि वही है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉम्पोजिट सप्लाई एंड मिक्स्ड सप्लाई? ठीक है, बस एक वर्ड है जो इन दोनों के डिफरेंस को आपको बता देगा, एक वर्ड है सिर्फ जो आपको इन दोनों का डिफरेंस बता देगा, जिससे आप एकदम से समझ जाओगे कि कॉम्पोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई में क्या फर्क है। मिक्स सप्लाई और कॉम्पोजिट सप्लाई में क्या फर्क है? एक छोटा सा डिफरेंस आपको बता देगा, समझना जरा, समझना जरा। कॉम्पोजिट सप्लाई नेचुरली बंडल्ड, मिक्स्ड सप्लाई अननेचुरली बंडल्ड। कॉम्पोजिट सप्लाई नेचुरली बंडल्ड, मिक्स्ड सप्लाई अननेचुरली बंडल्ड। क्या मतलब होता है नेचुरली बंडल्ड का और क्या मतलब होता है अननेचुरली बंडल्ड का? तो एक बात तो समझ में आ गई सर, मिक्स सप्लाई उसे कहेंगे जहां पर जो बंडल बना हुआ है वो अननेचुरल बंडल है, और कॉम्पोजिट सप्लाई उसे कहेंगे जहां पर जो बंडल बना हुआ है वो नेचुरल बंडल है। नेचुरल बंडल, अननेचुरल बंडल, क्या मतलब होता है नेचुरल बंडल और अननेचुरल बंडल का? ठीक है, तो नेचुरल बंडल मींस, नेचुरल बंडल मींस वेयर टू और मोर सप्लाईज आर यूजुअली सोल्ड टुगेदर। नेचुरल बंडल मीन्स, नेचुरल बंडल मीन्स वेयर टू और मोर सप्लाईज आर नेचुरली सोल्ड टुगेदर, आर यूजुअली सोल्ड टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल लैपटॉप प्लस बैग, फॉर एग्जाम्पल लैपटॉप प्लस बैग, ये सब आपको लिखना है, नोट करना है अपने रजिस्टर में। अरे वाह करिश्मा ने तो बहुत इजीली डिफाइन भी कर दिया, करिश्मा वेरी गुड, करिश्मा शाह ने बहुत इजीली डिफाइन भी कर दिया, वेरी गुड, गुड, सुपर्ब। सो बात समझो, बड़ी सिंपल सी बात है,
वर्ड्स में इसलिए ढाल रहा हूं कि वर्ड्स भी आपको याद रह जाएं तो मजा आ जाएगा, ठीक है। कॉम्पोजिट सप्लाई मीन्स द बंडल इज मेड नेचुरली, नेचुरली मतलब नेचर ये बंडल बनाता है, ये नेचर है उसका कि ये बंडल में ही चीजें बिकती हैं, जैसे लैपटॉप और लैपटॉप का बैग। एक और एग्जांपल, कई बार पैकेट बनते हैं टूथपेस्ट, उसमें टूथब्रश फ्री होता है, टूथपेस्ट उसमें टूथब्रश फ्री होता है, टूथपेस्ट और टूथब्रश का कॉम्बो बनता है, टूथब्रश फ्री है टूथपेस्ट के साथ, दोनों का कंबाइंड प्राइस हम लोग बना के कई बार बेचते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो आप क्लासेस ले रहे हो, ये जो आप क्लासेस ले रहे हो, जो मेरे से आप क्लासेस ले रहे हो, नेचुरल बंडल है। यूजुअली क्लासेस और बुक्स हमेशा साथ में सप्लाई होती होती हैं, नेचुरल बंडल। तो वो सारे बंडल जो यूजुअली बंडल की तरह सेल होते हैं, जो यूजुअली बंडल की तरह सेल होते हैं, उन्हें बोला जाता है कॉम्पोजिट सप्लाई। कॉम्पोजिट मतलब ये दोनों एक दूसरे का एक अभिन्न अंग है, ये दोनों एक दूसरे का एक अभिन्न अंग है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ये दोनों एक दूसरे को सार्थक करते हैं, इसे कहते हैं कॉम्पोजिट सप्लाई। द टू व्हेन टू और मोर सप्लाईज आर यूजुअली सोल्ड टुगेदर, जब दो या दो से ज्यादा सप्लाई यूजुअली साथ में सेल होती हैं, उसको बोला जाता है कॉम्पोजिट सप्लाई। ये एक ऐसा सप्लाई है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड हैं और वो यूजुअली साथ में ही बेची जाती हैं। चलो एग्जाम्पल नंबर टू, एग्जाम्पल नंबर टू, स्टे इन अ होटल इंक्लूड्स फूड स्पा लॉन्ड्री, फूड स्पा लॉन्ड्री, beverages, etc. Another example of composite supply. Another example of composite supply. फूफा जी कह रहे हैं सर जैसे एग्जाम्पल बीड़ी का बंडल और माचिस की डिब्बी। फूफा जी रितेश गौतम नाम का ये नालायक है, ये कह रहा है जैसे बीड़ी और माचिस, बीड़ी का बंडल और माचिस। नो कमेंट्स, मैं मतलब कमेंट करने लायक ही नहीं हूं, नालायक। अगला है भाई, स्टे इन अ होटल इंक्लूड्स फूड स्पा लॉन्ड्री बेवरेजेस। तो जब आप होटल में किसी में स्टे करते हो तो वहां पर आपको फूड मिलता है, रहने के अलावा कमरा तो मिलेगा, जहां पर आपको बेड मिलेगा, क्लीनलीनेस प्रॉपर क्लीनिंग सर्विसेज मिलेंगी वो तो मिलेगा, उसके बाद फूड भी मिलेगा, बेवरेज भी मिलेगा। तो जैसे होता है ना विद ब्रेकफास्ट, आप होटल रूम बुक करते हो विद ब्रेकफास्ट, तो वहाँ फूड मिलेगा, स्पा सर्विसेज मिलेंगी, लॉन्ड्री सर्विसेज मिलेंगी, बेवरेजेस मिलेंगे, ये सब भी क्या है नेचुरल बंडल, ये सब क्या है नेचुरल बंडल। जो चीज़ें यूजुअली साथ में ही सेल होती हैं उन्हें बोला जाता है नेचुरल बंडल। अच्छा, एक और एग्जाम्पल भाई, शेविंग क्रीम, शेविंग फोम और शेविंग ब्रश, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना के साथ में सेल किया जाता है, शेविंग क्रीम और शेविंग ब्रश। और कई बार होता है शेविंग क्रीम, शेविंग ब्रश और कोलोन, जो जो हम उसके शेव करने के बाद जो कोलोन लगाते हैं जिससे फ्रेशनेस आती है, वो कोलोन भी साथ में, तो वो भी कॉम्बिनेशन बन गया नेचुरली बंडल्ड कॉम्बिनेशन, नेचुरली बंडल्ड कॉम्बिनेशन। सो कॉम्पोजिट सप्लाई वो सप्लाई होती है जहां पर बंडलिंग जो होती है वो होती है नेचुरल बंडलिंग। ऑब्वियस सी बात है, मिक्स सप्लाई क्या होगा, मिक्स सप्लाई है इसका उल्टा, क्या उल्टा, मिक्स सप्लाई है वेयर, और मेरे पास एक सुविधा है जो आपके पास नहीं है, अरे क्यों ना इस सुविधा को मैं पूरी तरह एक्सरसाइज करूं, तो भाई वेयर टू और मोर सप्लाईज आर यूजुअली नॉट सोल्ड टुगेदर, जहां दो या दो से ज्यादा सप्लाईज यूजुअली साथ में नहीं सेल होती, साथ में नहीं सेल होती। हाँ बिल्कुल, ऐसा भी होता है, देखो आरुष ने एग्जाम्पल दिया सर पेंसिल इरेजर शॉर्पनर, तीनों का कॉम्बिनेशन बना दिया जाता है, बिल्कुल ऐसा भी होता है।
ठीक है। अब दूसरा अननेचुरली बंडल, इसका क्या होगा, टू और मोर सप्लाईज आर यूजुअली नॉट सोल्ड टुगेदर। ये सब सप्लाईज या सर्विसेज ऐसी हैं जो साथ में यूजुअली सेल नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, आपको लैपटॉप मिला, लैपटॉप बैग साथ में मिला, और साथ में आपको ईयरफोन्स भी मिल गए, तो उन्होंने कॉम्बो बना रखा था जिसमें ईयरफोन्स भी साथ में थे। तो लैपटॉप और लैपटॉप बैग तो समझ में आता है, लेकिन साथ में उन्होंने ईयरफोन्स भी आपको दिए। जैसे सैमसंग के आप शोरूम पे जाओ, ठीक है, या फिर लिनोवो के शोरूम पे जाओ, किसी भी शोरूम पे जाओ, उन्हें बोला सर ये लैपटॉप है, बैग है, हमने कॉम्बिनेशन बनाया हुआ, इसके साथ ईयरफोन्स भी हम आपको दे रहे हैं। अननेचुरल बंडल, अननेचुरल बंडल। नहीं भाई, ईयरफोन्स तो लैपटॉप और बैग के साथ यूजुअली नहीं देखने को मिलते, ठीक है। अब सेम आ जाओ इसमें, स्टे इन अ होटल इंक्लूड्स फूड स्पा लॉन्ड्री प्लस दिल्ली दर्शन प्लस क्या, दिल्ली दर्शन। तो भाई हम फूड स्पा इन सब के साथ, हेलो हेलो, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है, कैन यू हियर मी? सर कुछ सुनाई नहीं दे रहा, क्या बोल रहे हो जनाब? कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है क्या, देखूं जरा, कैन यू हियर मी? हेलो हेलो, ओके, तो ऐसा क्यों बोल रहे हो, सुनाई नहीं दे रहा नालायक, डरा दिया मुझको। अच्छा प्रैंक खेला है मेरे पे, अच्छा मेरी सुविधा सुनाई नहीं दे रही थी, अब देखो मैं क्या करता हूं। तो ओपन तुम लोगों ने चैलेंज किया ना, प्रैंक खेला ना मेरे पे, नालायक। चलो भाई, तो भाई अगर मान लो होटल में जो आपको स्टे दिया गया है उसके साथ आपको एक और चीज फ्री दी गई है, वो है दिल्ली दर्शन, कि आपको हम दिल्ली दर्शन भी करवाएंगे, ठीक है। अगर उसका पूरा एक पैकेज बना दिया गया है तो दैट इज नॉट अ कॉम्पोजिट सप्लाई, दैट इज अ मिक्स्ड सप्लाई। वो क्या है, वो है मिक्स्ड सप्लाई, मतलब उसमें अनरिलेटेड चीजें, अनरिलेटेड चीजों को भी साथ में रखा गया है, ठीक है। तो एक पुरानी कहावत मुझे याद आई है, ठीक है, मेरी दादी माँ बोलती थी मिक्स सप्लाई के लिए, वो कहावत बड़ी सटीक है, क्या, किसी की डोरी किसी का रोड़ा, भानुमती ने कुंबा जोड़ा। याद नहीं आया मुझे, बट उसका निष्कर्ष ये है कि भाई किसी का आप कुछ ले आओ, किसी का कुछ ले आओ, सब मिलके जोड़ लो, आपका काम बन जाएगा, है ना। ये होता था एक पुरानी कहावत में जो ऐसा कुछ होता था, बस वही बात यहाँ है, कोई रिलेशनशिप नहीं है, यूं ही आपने वहीं कुछ चीज़ें मिला मुलू के बेच दिया, उसे कहते हैं मिक्स्ड सप्लाई। लेकिन यहाँ एक परफेक्ट कोरिलेशन है जो चीज़ें आपस में मिली हुई हैं, एक परफेक्ट कोरिलेशन है जो चीज़ें आपस में मिली हुई हैं, इसे बोलते हैं कॉम्पोजिट सप्लाई, इसे बोलते हैं मिक्स्ड सप्लाई। सर आप क्विकली बता दो भाई कैसे हम लोग इसका ट्रीटमेंट करते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, ज़रा बता दो इसका ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। अब समझो ज़रा ट्रीटमेंट, ठीक है, ट्रीटमेंट समझना, फिर हम वापस अपने डायग्राम पे चलेंगे और डायग्राम में हम लोग आगे की बात कंटिन्यू करेंगे। तो भाई कॉम्पोजिट सप्लाई में तुम्हारी जो चीज़ें सप्लाई हो रही हैं, तुम्हारी जो चीज़ें सप्लाई हो रही हैं, ठीक है, अब मैं एक एक करके एग्जांपल लेता हूँ, बताना ज़रा। जब तुम लैपटॉप और बैग साथ में सप्लाई कर रहे हो तो ये दोनों ही सप्लाई हैं, सप्लाई नंबर वन, सप्लाई नंबर टू, ठीक है। अब मुझे ये चीज़ बता दो, इन दोनों में से मेन सप्लाई कौन सी है, सेकेंडरी सप्लाई कौन सी है? लैपटॉप एंड बैग, इसमें से मेन सप्लाई कौन सी है और सेकेंडरी सप्लाई कौन सी है? इन दोनों में से मेन क्या है और सेकेंडरी क्या है, जरा बता दो, मेन क्या है और सेकेंडरी क्या है, व्हाट इज मेन? लैपटॉप प्लस बैग, मोबाइल और चार्जर्स बिल्कुल कॉम्पोजिट में है।
परफेक्ट लैपटॉप, परफेक्ट लैपटॉप। तो देखना क्या नाम बोलते हैं हम, जो सर्विस मेन होती है, जो गुड मेन होता है उसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल सप्लाई। तो लॉ कहता है आपका जब कॉम्पोजिट सप्लाई होता है तो आइडेंटिफाई करो कौन सी है प्रिंसिपल सप्लाई, और जो भी प्रिंसिपल सप्लाई का जीएसटी रेट है वो पूरे के पूरे बंडल पे लगा दो। सपोज सपोज लैपटॉप प्लस बैग दोनों का टोटल करके किस प्राइस पे बिक रहा है, 60,000 रुपए पे बिक रहा है। लैपटॉप प्लस बैग दोनों टोटल करके किस प्राइस पे बिक रहा है, ये बिक रहा है भाई 60,000 रुपए पे, ठीक है। तो लॉ क्या कहता है, लॉ कहता है इन दोनों में से आइडेंटिफाई करो मेन क्या है, मेन, ठीक है, सप्लाई प्रिंसिपल कौन सा होना चाहिए। इसमें प्रिंसिपल सप्लाई है लैपटॉप, एक आदमी एक बार को बैग से कॉम्प्रोमाइज कर लेगा, लैपटॉप से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। मेन क्या है, लैपटॉप। तो जो भी जीएसटी रेट लैपटॉप का है ना वो इस पूरे के पूरे बंडल पे इकट्ठा लगा दो। कॉम्पोजिट सप्लाई के लिए इंडियन इनकम टैक्स, इंडियन जीएसटी लॉ ये बोलता है। अब आ जाओ अगली सर्विस पे, ठीक है, आगे चलें। स्टे इन अ होटल इंक्लूड्स फूड, स्पा, लॉन्ड्री, बेवरेजेस एटसेट्रा। अब देखना यहां दो तीन चीजें हैं। चीज नंबर वन, जो टोटल आपके रूम का रेंट है, चीज नंबर वन। चीज नंबर टू, जो फूड का पैसा है, चीज नंबर थ्री। स्पा को यूज करने के जो चार्जेस हैं, चीज नंबर फोर। लॉन्ड्री सर्विस यूज करने के जो चार्जेस हैं, नंबर फाइव। बेवरेजेस के जो चार्जेस हैं, बेवरेजेस के जो चार्जेस हैं। तो बताना जरा यहां पर मेन क्या है, मेन यहां पर मेन क्या है, रूम रेंट, रूम मेन है, फूड मेन है, स्पा मेन है, लॉन्ड्री मेन है, बेवरेजेस मेन, मेन क्या है, मेन जरा चैट बॉक्स में बता दो मेन क्या है। बिल्कुल, अगर एडिशनल सर्विस होटल से रिलेटेड ना हुई, अनरिलेटेड हुई, भाई हम होटल में गए, हमने कहा भाई आप हमें टूरिस्ट गाइड भी दे दो, आप हमें दिल्ली दर्शन भी करा दो, तो जब इसको मंडल बना के अगर बेचा गया, इकट्ठा बेचा गया, ठीक है, एक पैकेज बनाया गया, तो मिक्स सप्लाई हो गया। बताओ इसमें मेन क्या है, मेन। परफेक्ट, होटल स्टे मेन है। अनुराज का जवाब बिल्कुल सही। हाँ हाँ, सिली क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है, एग्जाम में सिलीनेस मत करना, यहाँ तो जितना सिली हो सकते हो जाओ, लेकिन प्लीज़ भगवान के लिए कोई वाहियात क्वेश्चन मत पूछना, ठीक है। तुम्हारे क्वेश्चन होते हैं बीड़ी, सिगरेट, विस्की, वाइन, बियर, ये सब क्वेश्चन मत पूछना प्लीज़, सेंसिबल क्वेश्चन। रूम रेंट, परफेक्ट परफेक्ट। तो बस वो हो गया प्रिंसिपल सप्लाई, और जो भी प्रिंसिपल सप्लाई का जीएसटी रेट है वो अप्लाई हो जाएगा सारे के सारे पैकेज पे। सर एक चीज बता दो, हाँ जी हाँ पूछो। सपोज लैपटॉप पे जीएसटी रेट लगता है 12%, सपोज, और जो लैपटॉप बैग है उस पे जीएसटी का रेट लगता है 18%। सर तो क्या ये गवर्नमेंट का नुकसान नहीं हो गया कि उसने जो चीज 18% पे लगी हुई थी उस पे 12% जीएसटी चार्ज किया, क्या गवर्नमेंट का यहां पर नुकसान नहीं हो गया? हाँ नुकसान हुआ, लेकिन क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट ने यही नियम बनाया है जब बंडल्ड प्रोडक्ट्स हैं तो। अब जब अलग अलग प्राइस हम बेच ही रहे हैं, उसको अलग अलग बेच रहे हैं, इकट्ठा बेच रहे हैं, इकट्ठा प्राइस है, उसको बायफिकेट कैसे करोगे? अरे बैग्स तो बल्क में खरीद लेता है एचपी, पता है बहुत सस्ते खरीदता है, बल्क में खरीद लेता है। जो रिटेल करता है ना, जो इकलौते एक 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 बेचता है, वो तो बहुत महंगे बेचता है, बल्क में खरीद लेता है। किस वैल्यू पे इसको लगाओगे? नहीं, सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। हाँ नुकसान है, लेकिन हम जो भी प्रिंसिपल सप्लाई होगा उसके टैक्स पे पूरा बंडल को टैक्स कर देंगे। अच्छा सुनो, तुम नुकसान के बारे में तो सोच रहे हो, उनके उनके फायदे के बारे में नहीं सोच रहे। फायदा कैसे? सपोज लैपटॉप पे लगता था 18%, बैग पे लगा 12%, उन केस में इनका फायदा भी तो हो गया। तो दोनों चीजें, नुकसान भी फायदा भी, तो ऐसा नहीं है एक ही चीज पे फायदा एक ही चीज पे नुकसान, तो फायदा भी है तो नुकसान भी है। सर अगर बैग में अलग से जीएसटी लगती हो, कम होती हो, तो लॉस है। बिल्कुल लॉस है भाई, बिल्कुल बिल्कुल भाई। बेवरेजेस मतलब, आरुष पूछ रहा है बेवरेजेस, बेवरेजेस मतलब कोई भी ड्रिंक्स, कोका कोला, जूस, तरह तरह के जूस होते हैं, फिर कोई भी मोइतो, वर्जन मोइतो, इस तरह के जूस होते हैं,
LIIT, लॉन्ग आइलैंड आइस टी, तरह तरह के बेवरेजेस होते हैं उन्हें बोलते हैं। तो भाई फायदा नुकसान मत सोचो, अभी तो लॉ देखो। लॉ ये कहता है जो भी प्रिंसिपल सप्लाई होगा उसी का जीएसटी रेट हम पूरे के पूरे बंडल पे लगा लेंगे, लॉ ये कहता है। तो इन केस ऑफ कॉम्पोजिट गुड्स क्या रूल बन गया, प्रिंसिपल सप्लाई टू बी आइडेंटिफाइड, आइडेंटिफाई करो प्रिंसिपल सप्लाई क्या है एंड जीएसटी रेट अप्लाइड ऑन ऑल प्रोडक्ट्स, या ऑन एंटायर सप्लाई, सारे के सारे सप्लाई पे वही जीएसटी का रेट लग जाएगा। जो जीएसटी का रेट कहाँ है भाई, प्रिंसिपल सप्लाई पे है। अब आ जाओ बात मिक्स सप्लाई की। अब मिक्स सप्लाई के अंदर एक अलग तरह की टेंशन, क्या टेंशन मैं आपको बताता हूँ, ज़रा ये डाउट ले लूँ चंचल झा जी का। ये चंचल झा तुम्हारा क्वेश्चन ना, अभी हम मिलेंगे ना जब क्लास में, तब मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है, तब सॉल्व करूंगा, कोई नहीं। चलो भाई आ जाओ नेक्स्ट चलते हैं, मिक्स सप्लाई। मिक्स सप्लाई का रूल क्या है आओ पढ़ते हैं, ठीक है। अब मिक्स सप्लाई में क्या होता है, अनरिलेटेड सप्लाई होता है, अननेचुरली बंडल्ड होता है, अनरिलेटेड सप्लाई होते हैं जो यूजुअली साथ में नहीं बिकते, वो आपस में मिला के भाई वो लोग बेचते हैं। तो जब अनयूजुअल चीज़ें आपस में मिला के बेचते हैं, इकट्ठा आपस में मिला के बेचते हैं, तो अब इस केस में इट इज़ इम्पॉसिबल टू आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल सप्लाई एंड द सेकेंडरी सप्लाई। इस केस में हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि प्रिंसिपल सप्लाई क्या है और सेकेंडरी सप्लाई क्या है, इस केस में ये आइडेंटिफाई हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुमने होटल का रूम विद दिल्ली दर्शन विद अ गाइड दिया, तो इसमें तुम ये नहीं कह सकते कि सर होटल रूम इज़ द मेन थिंग। अरे ऐसा भी हो सकता है दिल्ली का दर्शन इज़ द मेन थिंग, क्योंकि उस पर्पस, उस बंदे का पर्पस दिल्ली आने का यही है, दिल्ली दर्शन करे। तो कन्फ्यूजन है यहाँ पर, यहाँ पर यू कैन नॉट आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल सप्लाई, आप प्रिंसिपल सप्लाई को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, हर चीज़ अलग अलग है। अरे हर चीज़ अलग अलग है, नेचर बड़ा डिफरेंट है सारी चीज़ों का भाई। जैसे अभी हल्दीराम का मैंने आपको पैकेट दिखाया, बड़ा अलग अलग है, कोकोनट वाटर भी है, बिस्किट भी है, चिप्स भी हैं, सोन पापड़ी भी है, सोन हलवा भी है, लड्डू भी है, चॉकलेट भी है, ब्राउनी भी है, केक भी है, सब कुछ है, सब अनरिलेटेड है, सब अलग 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 चीज़ें हैं, सब चीज़ डिफरेंट 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 चीज़ें हैं। तो इस केस में प्रिंसिपल सप्लाई आइडेंटिफाई करना मुमकिन ही नहीं है, इसमें आप प्रिंसिपल सप्लाई आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो सर फिर इसका क्या करें, एक काम करते हैं, सुनो बताता हूँ ज़रा, एक काम करते हैं, सुनना ध्यान से सुनना, ठीक है, किसी को बताना मत। एक काम करते हैं, जितने भी इसमें सप्लाईज हैं सबका रेट पता करते हैं कि अगर ये इंडिविजुअली बिकते तो इनका क्या रेट होता। भाई लैपटॉप अगर इंडिविजुअली बिकता सपोज 18% पे होता, बैग अगर इंडिविजुअली बिकता सपोज 12% पे होता, ईयरफोन्स अगर इंडिविजुअली बिकते सपोज 5% पे होते, तीनों का अलग अलग पता कर लेते हैं, ठीक है, तीनों का रेट ये है अलग अलग, ठीक है। अब प्रिंसिपल या सेकेंडरी तो आइडेंटिफाई कर नहीं सकते कि उसी का सारा अलग, वो तो कर नहीं सकते। एक काम करते हैं ना सर, जो सबसे लोएस्ट है 5% जीएसटी वही सब पे लगा लेते हैं, बल्ले बल्ले, निशावा निशावा, मज़ा आ गया मज़ा आ गया। जो 5% है वही सब पे लगा, ख़त्म करो, जो लोएस्ट है उसको लगा के ख़त्म करते हैं, बताओ मज़े आ गए क्या, मज़े आ गए क्या। अब वो कह रहा है, जैनब कह रही है सर कोई इंसान ईयरफोन थोड़ी लेगा जो यूज़ लैपटॉप मिले, जो उसे लैपटॉप मिले, पता नहीं क्या कह रही है जैनब। अच्छा करिश्मा लगी हुई है पर्सनल कोचिंग देने में, देखो कोचिंग के अंदर कोचिंग क्लास चल रही है, कोचिंग के अंदर कोचिंग। तो करिश्मा चंचल के जो अभी डाउट मैंने कहा कि मैं ऑफलाइन लूँगा वो सॉल्व कर रही है करिश्मा चंचल के, वाह। तो करिश्मा तुम ऐसा है फ़ोन नंबर एक्सचेंज कर लो चंचल के साथ, तुम अपने आराम से प्राइवेटली सारे कॉन्वर्जेशन करते रहो, यहाँ क्यों कर रहे हो कॉन्वर्जेशन नालायक। तो कोई बैग थोड़ी लेगा जो उसे लैपटॉप मिले,
अरे भाई देखो, लैपटॉप लेने के लिए कर रहा है, बैग लेने के लिए कर रहा है, ईयरफोन लेने के लिए कर रहा है, मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा, मुझे पता नहीं लग पा रहा है ये प्रिंसिपल सप्लाई कौन सी है इसमें से। तो अब ईयरफोन तो मैंने एक छोटा एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है, सपोज ये स्मार्ट वॉच भी खरीद रहा है इसके साथ, स्मार्ट वॉच भी खरीद, और सपोज ये एक टैब भी खरीद रहा है, अब बताओ कौन सी है प्रिंसिपल सप्लाई? लैपटॉप, टैब, स्मार्टफोन, ईयरफोन, बैग, सब कुछ इकट्ठा वो मिक्स करके बेच रहा है, अब बताओ कौन सी है प्रिंसिपल सप्लाई? तो डिफिकल्ट है ना प्रिंसिपल आइडेंटिफाई करना कि मेन क्या चीज़ है, वो चीज़ डिफिकल्ट है, आइडेंटिफाई नहीं हो सकती भाई। तो मेरा भाई ये प्रपोजल है, मेरा भाई ये प्रपोजल है, चलो आज तुम सबको वापस हम लोग जीएसटी काउंसिल के मेंबर्स बना देते हैं, तुम लोग फाइनेंस मिनिस्टर्स हो सारे के सारे स्टेट्स के, एंड आई एम द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, मैं हूँ भाई सेंट्रल गवर्नमेंट का फाइनेंस मिनिस्टर, एंड आई प्रपोज दैट ऑन मिक्स सप्लाई द सप्लाई विच इज हैविंग द लीस्ट रेट शुड बी एप्लीकेबल, द जीएसटी विच इज हैविंग द लीस्ट रेट ऑफ सप्लाई शुड बी एप्लीकेबल। सारे सप्लाई में देख लेंगे उन सब के बीच में कौन सा सबसे कम वाला रेट है, वो वाला रेट सब पे लगा देंगे। तीन बार अपने पास जो टेबल है उसको ठोकना ऐसे और कह देना आई अग्री, तो चैट बॉक्स में लिख दो आई अग्री, जो भी काउंसिल मेंबर्स, जो भी जीएसटी काउंसिल मेंबर्स इस चीज़ से अग्री करते हैं, हमें कुछ ना कुछ तो डिसाइड करना है ना, तो चलो ये डिसाइड कर लेते हैं, आई अग्री लिख दो चैट बॉक्स में। आई अग्री लिख दो चैट बॉक्स में। आई अग्री लिख दो। जैनाब कह रही है कि सर ईयरफोन्स या बैग प्रिंसिपल कैसे हो सकता है, कौन साथ में 40,000-50,000 का लैपटॉप दे देगा साथ में ईयरफोन्स के साथ, ईयरफोन्स के साथ कौन लैपटॉप दे देगा? अरे भाई फ्री में थोड़ी दे रहे हैं, कॉम्पोजिट प्राइस में तीनों का प्राइस लगा हुआ है, बैग का भी, ईयरफोन का भी, लैपटॉप का भी। तो ऐसा थोड़ी है कि ईयरफोन के साथ लैपटॉप हम फ्री में दे रहे हैं, ऐसा थोड़ी है, ऐसा थोड़ी है कि लैपटॉप के साथ भाई ईयरफोन के साथ लैपटॉप फ्री दे, फ्री थोड़ी है, मिक्स सप्लाई है, फ्री की बात मत करो, सब चीज़ों की वैल्यू जुड़ी हुई है, इकट्ठी इकट्ठी वैल्यू जुड़ी हुई है, फ्री नहीं मिल रहा कुछ, ना इसमें कुछ फ्री मिल रहा है, ना इसमें कुछ फ्री मिल रहा है, फ्री नहीं मिल रहा भाई कुछ, कॉम्पोजिट मिक्स सप्लाई फ्री नहीं मिल रहा कुछ। सब ने कहा है आई डोंट अग्री, सब ने कहा है आई डोंट अग्री, तो तुम ही लोग बता दो क्या लॉ बनाए, अगर तुम नहीं अग्री कह रहे हो तो तुम ही लोग बता दो फिर क्या लॉ बनाए भाई, कोई तो समाधान निकालो, आई डोंट अग्री कर रहे हो, कोई तो समाधान निकालो, तुम ही बता दो क्या करें, मुझे पता है ना तुम सब फाइनेंस मिनिस्टर्स बन गए हो, मुझे पता है तुम क्या करने वाले हो, तुम ही बता दो क्या करें, तुम ही बता दो कि क्या करें। अब हो गया अग्री हैं, अब बताओ आई अग्री, मैंने बॉक्स उठा के ऊपर डाल दिया, अब बोलो आई अग्री या नहीं अग्री। वाह तन्मय, वेरी गुड। अरे एवरेज रेट कुछ नहीं होता भाई, हाईएस्ट होता है लोएस्ट होता है, ठीक है, एवरेज रेट कुछ नहीं होता, एवरेज सर इन तीनों का एवरेज कर लेते हैं एवरेज, अरे एवरेज कुछ नहीं होता, या तो 18 या 12 या 5, बस इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, एवरेज का कोई ऑप्शन नहीं है, एवरेज ले लो, एवरेज ले लो, परफेक्ट परफेक्ट। तो भाई ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला जहाँ मिक्स सप्लाई है, जो चीज़ें अननेचुरली बंडल है, यूजुअली बंडल नहीं होती, आप ज़बरदस्ती उसका बंडल बना के बेच रहे हो, वहाँ पर भाई आप जो भी सप्लाई इंडिविजुअली बिकती तो उसका जो हाईएस्ट रेट होता पूरे बंडल पे वो वाला रेट लगा लो। तो भाई ये पूरा का पूरा कॉम्बो है, लैपटॉप प्लस बैग प्लस ईयरफोन प्लस स्मार्टफोन प्लस टैब, ये पूरा का पूरा कॉम्बो मैं बेच रहा हूँ 2.5 लाख रुपये का, कंबाइंड है सबके प्राइसेस इसमें कंबाइंड है, ठीक है। तो मैं क्या लगाऊंगा, हाईएस्ट जो भी इन सब सप्लाईज में से जो हाईएस्ट रेट होगा पूरे पूरे 2.5 लाख रुपए पे हाईएस्ट रेट लगा दूंगा, मेरा काम हुआ खत्म, मेरा काम हुआ खत्म। ऐड कर दो रेट सबके, या फिर कॉम्पोजिट रेट प्लस एडिशनल सर्विसेज का रेट करने दो। अरे ऐड कैसे कर दें रेट सबके नालायक, मुझे इंडिविजुअल प्राइस तो पता ही नहीं, मुझे इंडिविजुअल प्राइस तो पता ही नहीं। जनाब क्या कह रही है, सर सबके इंडिविजुअल टैक्स निकालो, सबको ऐड कर दो। जैसे लैपटॉप है, सपोज लैपटॉप 60,000 रुपए का है, ठीक है, 60,000 रुपए पे लगाओ 18%। बैग 3,000 रुपए का है, 3,000 रुपए पे लगाओ 12%। ईयरफोन
1,000 रुपए का है, 1,000 रुपए पे लगाओ 5%, ऐसे सबका ऐड कर दो। अरे भाई दिक्कत तो यही है, अगर इंडिविजुअल प्राइस होता तो मैं ऐड कर देता, क्योंकि इंडिविजुअल प्राइस नहीं है इस वजह से मैं ऐड नहीं कर पा रहा हूं, इस वजह से मैं ऐड नहीं कर पा रहा हूं। चंचल कह रहा है सर ये तो फेयर नॉट फेयर हो गया सर, ये तो गड़बड़ हो गई सर, ये तो नॉट फेयर है। बिल्कुल सही बात है, चंचल की बात बिल्कुल सही है। चंचल कह रहे सर ये तो अनफेयर हो गई बात। सर हाईएस्ट रेट पे आप टैक्स कर रहे हो, 5% की चीज़ पे भी आप जीएसटी 18% लगा रहे हो, ये तो सर अनफेयर बात हो गई। कौन कौन कहता है अनफेयर बात हो गई? जनाब क्या कह रही है, जनाब कह रही है सर फेयर मार्केट वैल्यू ले लो ना सबकी, लैपटॉप एक कितने का बिक रहा है मार्केट में, बैग कितने का बिक रहा है मार्केट में, उसके अकॉर्डिंग लगा लो। जैनाब एवरेज नहीं ले सकते? ना ना एवरेज नहीं ले सकते। चलो भाई तुम सब नाराज हो गए, तुम्हारी नाराजगी भी दूर कर देता हूं, तुम्हारी नाराजगी भी दूर कर देता हूं। कैसे दूर करूंगा नाराजगी, आओ सुनते हैं। जो वैल्यूएशन होगा मिक्स्ड सप्लाई का, उसको भाई दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, जो सप्लाई का मिक्स्ड सप्लाई का जो वैल्यूएशन होगा उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, आओ देखते हैं। ठीक है, अपने चार्ट पे ही आ जाते हैं हम। तो सबसे पहले तो ये समझो, नहीं सबसे पहले तुम ये समझो, मिक्स सप्लाई समझो पहले। तो जो मिक्स्ड सप्लाई होगा, जहां पर टू और मोर इंडिपेंडेंट सप्लाईज हैं, दो और मोर अलग अलग सप्लाईज हैं, वहां पर क्या करेंगे, दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे वैल्यूएशन को। सप्लाई अंडर सिंगल प्राइस इन एन इनवॉइस, तो इनवॉइस इनवॉइस में आपने पूरे के पूरे गुड का इकट्ठा प्राइस डाल दिया 2,50,000 रुपए। ठीक है, इनवॉइस में आपने एक ही प्राइस डाला पूरे के पूरे सारे की सारी चीजों का 2,50,000 रुपए, जो मैंने अभी एग्जाम्पल में दिखाया। इंडिविजुअल रेट्स ऑफ ईच सप्लाई, अब ये उल्टा हो गया, इसको चेंज करना पड़ेगा। तो ठीक है भाई, आओ जरा, देखो जरा। तो भाई अगर तो आप इनवॉइस के अंदर सिंगल प्राइस लिखते हो, अगर तो आप इनवॉइस के अंदर सिंगल प्राइस लिखते हो और सारा का सारा जो कॉम्बिनेशन है वो इकट्ठा दिखा देते हो एक ही प्राइस में, तो हाईएस्ट जीएसटी रेट टू बी अप्लाइड टू ऑल सप्लाईज, तो जो भी हाईएस्ट जीएसटी रेट होगा ना सारे के सारे सप्लाईज में से, जो भी हाईएस्ट जीएसटी रेट होगा वो आपको पूरे एक टोटल प्राइस में लगा दिया जाएगा। और अगर आप हमको प्राइस का बाइफकेशन करके दे दो, मतलब सेपरेट प्राइस लगाओ इनवॉइस में, सेपरेट प्राइस से मेरा मतलब ये है, इनवॉइस में लिखा हुआ हो लैपटॉप इतने का, बैग इतने का, ईयरफोन इतने का, चार्जर इतने का, स्मार्ट वॉच इतने की, टैब इतने का, अगर ऐसे आपने अलग 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 करके लिखा हुआ है, तो आप इंडिविजुअल रेट्स लगा दो फॉर ईच सप्लाई टू बी अप्लाइड, इंडिविजुअल रेट लगा दो हर एक सप्लाई का, फिर उसे हम मिक्स्ड सप्लाई बोलेंगे नहीं, क्योंकि वो तो आपने अलग अलग सामान बेचा है। तो ध्यान रखो, जब भी आप मिक्स्ड सप्लाई कर रहे हो भाई, मिक्स सप्लाई में ही ऑप्शन होता है, जब भी आप मिक्स सप्लाई कर रहे हो, अनरिलेटेड चीजें साथ में बेच रहे हो, ठीक है, तो आप जब इनवॉइस बनाओ ना, इनवॉइस जो टैक्स इनवॉइस होता है, जो रसीद होता है, जब आप रसीद बनाओ ना, तब आप क्या करो, तब आप इन सब के सब गुड्स को अलग अलग लिखो, इकट्ठा मत लिखो, अलग अलग लिखो इन सब गुड्स को, और इनका जो इंडिविजुअल रेट है, इनका जो इंडिविजुअल प्राइस है, वो सबका अलग अलग इनवॉइस में मेंशन कर दो, आपको बेनिफिट मिल जाएगा। जो भी टैक्स रेट ज़्यादा होगा, जो भी टैक्स रेट कम होगा, उसके अकॉर्डिंग आपका वही टैक्स आप लग जाएगा आपका टैक्स। सो ये है मिक्स सप्लाई के दो कैटेगरीज। आपकी प्रॉब्लम भी मैंने सॉल्व कर दी, ठीक है, आपको दुख था ना हाईएस्ट पे लग रहा है, ठीक है हाईएस्ट में मत लगवाओ, इनवॉइस के अंदर सारी सारी चीज़ें अलग अलग लिख दो। अरे लैपटॉप आप इंडिविजुअली भी तो बेच रहे होगे, बैग आप इंडिविजुअली भी तो बेच रहे होगे, ईयरफोन आप इंडिविजुअली भी तो बेच रहे होगे, उनके इंडिविजुअल प्राइस आप अपने इनवॉइस में लिख दो और सबका इंडिविजुअल 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 टैक्स रेट आप अप्लाई कर लो, तो मिक्स सप्लाई की कैटेगरी में आएगा ही नहीं। सो गवर्नमेंट ने आपको ऑप्शन दिया, मिक्स सप्लाई के केस में तोड़ दो सारे सप्लाईज को। सर ये ऑप्शन कॉम्पोजिट में भी दे दो ना,
हम दो चीजें बेच रहे हैं, तोड़ तोड़ के बेचना चाहते हैं, ना ना ना, इसमें नहीं टूट सकता दो चीजें। इसमें अगर आपने दो चीजों को एक ही पैकेट बना के बेचा तो उसके अंदर आपको जो प्रिंसिपल सप्लाई है उसी का प्राइस चार्ज करना होगा। इसमें ऑप्शन नहीं है, कॉम्पोजिट में ऑप्शन नहीं है भाई, कॉम्पोजिट में देयर इज नो ऑप्शन। सो आओ चार्ट पे वापस आते हैं, आओ चार्ट पे वापस आते हैं। सबसे पहले देखते हैं कॉम्पोजिट सप्लाई, कॉम्पोजिट सप्लाई वेयर टू और मोर टैक्सेबल सप्लाईज आर सोल्ड टुगेदर, सप्लाई अंडर सिंगल प्राइस इन एन इनवॉइस। तो आपने सिंगल प्राइस लिखा इनवॉइस में या आपने अलग अलग प्राइस लिखा इनवॉइस में, दोनों का ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम। जीएसटी रेट ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई टू बी एप्लीकेबल टू ऑल द सप्लाई, सारे सप्लाईज पे कौन सा रेट अप्लाई होगा, जीएसटी रेट जो प्रिंसिपल सप्लाई का है वही सब पे अप्लाई होगा। ऑप्शन नंबर टू, आपने मिक्स सप्लाई किया, दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट सप्लाई करे, वहां पर अगर आपने सबका अलग अलग प्राइस लिख दिया, अगर तो सिंगल प्राइस लिखा तो हाईएस्ट जीएसटी रेट लग जाएगा, अगर आपने अलग 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 प्राइस लिखा तो जो भी इंडिविजुअल रेट है वो आपका सप्लाई में आ जाएगा। हाईएस्ट रेट आउट ऑफ द सप्लाईज इन द इनवॉइस टू बी टेकन, इनवॉइस में जो भी सबसे ज़्यादा हाई रेट का सप्लाई है वो ले लेंगे। अच्छा, एक बच्चा मेरे से क्या पूछता है, बच्चा मेरे से पूछता है सर ये जो हाईएस्ट रेट है, जैसे अगर मैं अपने इस एग्जाम्पल में आऊँ, ठीक है, तो सर लैपटॉप है 18%, 20% ऐसे ऐसे है ना, लेकिन सर जो ओवरऑल जीएसटी का हाईएस्ट रेट है वो है 28%, जो ओवरऑल जीएसटी का हाईएस्ट रेट है, और जो अभी एप्लीकेबल जीएसटी का हाईएस्ट रेट है वो है 20%। तो एक बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन पूछा, सर हाईएस्ट रेट जो जीएसटी का है वो तो 28% होता है, तो सर क्यों ना 28% पे सबको कर दें। नहीं नहीं, हाईएस्ट रेट का वो मतलब नहीं है कि जीएसटी का हाईएस्ट रेट, हम नहीं कह रहे जीएसटी का हाईएस्ट रेट लगेगा, नहीं 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 नहीं, हम कह रहे हैं इसमें जो सप्लाईज हैं उनमें जो जीएसटी के रेट हैं उनमें से हाईएस्ट रेट। अभी हाईएस्ट रेट का मतलब ये मत समझना जीएसटी का जो हाईएस्ट रेट लगता है ना सर उस पर हम सबको कर देंगे, ना ना ना, इन सप्लाईज में जिसका भी हाईएस्ट रेट है वो हाईएस्ट रेट हम लेके उसको लगा देंगे।